बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज तृणमूल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आज शाम कोलकाता में ममता बनर्जी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगी। टीएमसी अपने इस घोषणा पत्र में फ्री राशन डिलीवरी के साथ ही कई लोक लुभावन वादों का ऐलान कर सकती है। अब चंडी का पाठ करो चाहे जो करो, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए जी जान से प्रचार अभियान में जुटी है और उनके इस अभियान में इस बार सबसे बड़ा रोड़ा है बीजेपी, जिसके दिग्गज नेताओं ने भी पश्चिम बंगाल में डेरा डाल रखा है। इस बीच दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन अब इस आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर बंगाल की लड़ाई जनता से किए जाने वाले वायदों पर आने वाली है, क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। ममता बनर्जी की आज झारग्राम में सभाएं हैं, लालगढ़ और गोपी बल्लभपुर में सभाएं करने के बाद ममता बनर्जी कोलकाता लौटेंगी। इसके बाद शाम को टीएमसी का घोषणा पत्र जारी होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बार टीएमसी के घोषणा पत्र में बड़े सरप्राइज हो सकते हैं। टीएमसी फ्री राशन डिलीवरी का ऐलान कर सकती है। टीएमसी के घोषणा पत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। घोषणा पत्र में विकास का एजेंडा सबसे ऊपर रखने की संभावना है। टीएमसी की कन्याश्री, युवश्री, सबूत साथी जैसी योजनाएं जारी रह सकती हैं। इसके अलावा दुआरे सरकार और स्वास्थ्य साथी जैसी योजना जारी रहने की संभावना है। 100 दिनेर काजे बांग्ला एक नम्बर, रूरल हाउसिंग आमरा एक नम्बर, रूरल रोड आमरा एक नम्बर, एमएसएमई सेक्टर आमरा एक नम्बर। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने 11 मार्च को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने का प्लान किया था, लेकिन ममता बनर्जी को पैर में चोट लगने की वजह से इसे टाल दिया गया। इसके बाद 15 मार्च को टीएमसी के मैनिफेस्टो जारी करने की बात सामने आई थी, लेकिन इसे फिर से टाल दिया गया। अब 17 मार्च यानी आज टीएमसी के वादों का पिटारा खुलने वाला है। मैनिफेस्टो जारी करने से पहले टीएमसी के विधायक नेताओं के साथ साथ बंगाल के बुद्धिजीवियों से भी बात की गई है और आम लोगों से भी राय ली गई है। राज के सारा बांग्ला झकझक चक चक कुछ देखे बुझी ईर्ष्या कात हुए। बेंगल इज नंबर वन इन इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। सुनते पाच्छेन, दारिद्र दूरीकरण क्षेत्र बांग्ला एक नम्बरे। वैसे बीजेपी के नेता अपनी सभाओं में जिस तरह के ऐलान कर रहे हैं, टीएमसी के घोषणा पत्र में उनकी काट देने की कोशिश भी की जा सकती है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में आरक्षण को लेकर मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। बांकुरा के कोतुलपुर की रैली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो कई जातियों को ओबीसी में शामिल कराएगी। हमारी सरकार आएगी, आयोग बैठाएंगे और आयोग बैठा करके मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। सवाल उठता है कि तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसे वायदों का काट मौजूद होगा। इसके अलावा बीजेपी के नेता अपनी सभाओं में डबल इंजन की सरकार के फायदे भी गिना रहे हैं। ऐसे में बंगाल की लड़ाई में आज के दिन सबकी नजर तृणमूल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर ही रहने वाली है, क्योंकि ममता के तीसरी बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होने के मिशन पर यह घोषणा पत्र काफी असर डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।